तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज्जत माब मेहमान खुसूसी वजीर अमूर कश्मीर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब मेरे भाई मेरे दोस्त वजीर कम्युनिकेशन जनाब मुराद सईद साहब हमारे और आपके दिलों की धड़कन सदर तहरीके इंसाफ आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब स्टेज पर पंडाल में मौजूद मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मेहमान खुसूसी और जो गुजरा हजरात और उनके साथ मेहमान आज हमें डिडियाल में तशरीफ लाए मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मसरूफियत के बावजूद हमेशा की तरह तहरीके इंसाफ की लीडरशिप ने हमेशा डडियाल के लोगों से प्यार किया और डडियाल वक्त की कमी है लेकिन इतना पंडाल सजा और बात ना की जाए ये इंसाफ नहीं है। मैं मेहमान खुसूसी साहब से 5 मिनट लेना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारी तकरीरें हुई लेकिन मैं आज ये बात बरमला कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के बाद अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो वो सिर्फ चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। आज की इस पंडाल में जो लोग जमा हुए हैं डडियाल के लोग जो जमा हुए हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि डडियाल इमरान खान का है डडियाल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का है और डडियाल चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब का है। यहाँ जो इस वक्त हुकूमत है जो वजीर हुकूमत है कि तेरी की इंसाफ वालों को होश नहीं है कि इतना बड़ा पंडाल तैयार कर लिया है। अगर ये आधा भी भर लिया तो मैं मान जाऊंगा। मैं कहता हूँ आके देखो कि डडियाल के लोग तेरी के इंसाफ के साथ थे और 25 जुलाई से पहले ही उन्होंने आज फैसला दे दिया है। डडियाल के लोगों और जो हमारे भाई तारकीने वतन वो हमेशा से इमरान खान साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के सपाई रहे हैं। बेशक वो कैंसर हॉस्पिटल की तामीर हो नंबर यूनिवर्सिटी हो बेशक इमरान खान हमारे लीडर का जलसा मीरपुर में हो या कोटली में हो मैं तेल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करता हूँ। आप लोगों ने हमेशा मेरी इज्जत का ख्याल रखा आपने हमेशा चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब की इज्जत का ख्याल रखा। यहाँ 5 साल अपोजिशन में गुजारे हमने लेकिन मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ कि एक बड़ा ग्रुप बता दो जिसने इस अपोजिशन के टाइम में तहरीके इंसाफ को छोड़कर किसी और जमात में शामिल हुआ। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये गढ़ है तहरीके इंसाफ का। पिछला इलेक्शन भी तुम लोग जीत चुके थे लेकिन उस कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का हुक्म हुआ और इमरान खान साहब की लीडरशिप और जो लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है अल्लाह के हुक्म से इनके साथ मिलके अगले 5 साल डडियाल को एक मसाली शहर इंशाल्लाह बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बहुत सारे ये नून लीग वाले तो कहते हैं कि जितना काम हमने 5 साल में कराया इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि इस मिनिस्टर ने जिसने नहीं दिया तो उसकी तो शक्ल ये पसंद नहीं करता था। जिसने वोट दी वो भी आप तोबा तोबा कर रहा है। इसकी बात यह है
कि आप जाके कुलजूर के लोगों से पूछो, बिहारी के लोगों से पूछो, कनेर के लोगों से पूछो, शहर के लोगों से पूछो जिनसे बदला लिया है। आज वो शहर के लोगों की सिर्फ एक गलती थी कि उन्होंने इस शख्स को वोट नहीं दी। अल्लाह का हुक्म हुआ और जीत हुई तो इंशाल्लाह वोट देने वाला ना देने वाला हमारे लिए बराबर होगा। मगर एक बात है, जो आज साथ खड़े हैं उनका मकाम और होगा। आप लोगों ने मेहनत करनी है। ये जो लोग कहते हैं आज शरीफ का फैसला हो गया है और रस्मी कार्रवाई है, मैं कहता हूं नहीं रस्मी नहीं, असल कार्रवाई 25 तारीख को है। तुम लोगों ने वोट डाल लिए, आप लोगों ने उन डब्बों को भरना है तो फिर ये नतीजा निकलेगा। ये बात यहाँ हुई कि यहाँ हा हा वाली आ रही है। राज साहब ने कहा, एक और भी साहब यहाँ आए थे, उनके बारे में तो मुराद शरीफ साहब ज्यादा बेहतर बात करेंगे। ये हा हा और हुई नहीं जीत है और कोई काम रहा गड्डियाली गड्डियाली नहीं, पूरे आजाद कश्मीर की हालत है। मैं सलाम पेश करना बैसो सुल्तान महमूद चौधरी साहब की, जिन्हें एक एक करके मेहनत करी था तरीके इंसाफ की, ऐसी कुवत बनाई उड़िया कि लोग उसे ना लड़के बनाने पे। बैसो साहब तुम की सलाम पेश करते हैं। आसा इतना गल बहुत सारी गल्ला हुई, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब कुछ बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ये डिडियार के लोग आपसे मोहब्बत कर। किसी लीडर ने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, अकवामे मुत्तहिदा गए तो कश्मीर का सफीर बन के गए, कश्मीर के पैगाम से अकवामे मुत्तहिदा की ऐवान गूंजती रही, बात होती रही तो कश्मीरियों की होती रही, बात हो रही थी तो कश्मीर के हक खुद इरादियत की हो रही थी, बात हो रही थी तो पाकिस्तान की खुददारी की हो रही थी, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। और ये मनाजिर देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि कुछ भी न कहे गर्च तलबगार बहुत है, कुछ भी न कहे गर्च तलबगार बहुत है, उस शख्स का क्या कीजिए खुददार बहुत है। मेरे पाकिस्तानियों, अभी आप एक फोन कॉल की बैरिस्टर साहब ने बात की, वो जमाना था कि जब एक फोन कॉल पे आपको टू मोर का हुक्म मिलता था, वो जमाना क्या कि जब एक फोन कॉल पे आपको अड्डे देने पड़ते थे। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात करता है। मेरे पाकिस्तानियों, दूसरी बात इसी हवाले से, डडिया के बहुत सारे हमारे बाहर दुनिया में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे ओवरसीज है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। आप उनसे पूछे कि जब यहाँ पे ये साबिक हुक्मरान जाते थे और झुके हुए सर होते थे, टू मोर के हुक्म होते थे, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, जरा जरा आप उन लोगों से पूछे जो बाहर रह रहे हैं कि ये तो खुद खुद गैरतमंद लोग हैं, खुददार लोग हैं, लेकिन जब हुक्मरान बेगैरत हो, खुददारी ना हो, तो उन लोगों की भी सर झुक जाते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है खुददार और गैरतमंद लीडर मिला है, इसने सब सर उठा के दुनिया में जी रहे हैं। एक और अहम इशू मेरे डडियाल के लोगों, हमने एक फैसला किया इमरान खान ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कि जितने भी हमारे ओवरसीज हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए। जब ये फैसला हुआ, आपको याद है कि कौमी असेंबली में हमने बिल पास करवाया, अब वो बिल सेनेट में है और इंशाल्लाह हम यहाँ पे जितने भी आपके ओवरसीज के लोग हैं उनको वोट का हक दिलाएंगे। ये बदकिस्मत है, ये अपोजिशन की पार्टीज क्या कह रही है कि इन लोगों को क्या पता जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं कि हमारे मसाइल क्या है। ये नवाज शरीफ की तरफ